मुंबई की कोस्टल रोड परियोजना का काम अब रफ्तार पकड़ता जा रहा है। मनपानी मरीन ड्राइव के पास के काम के साथ अब गिरगांव चौपाटी में अंडरग्राउंड पंपिंग स्टेशन का भी काम शुरू कर दिया है। सुरंग में पाइप लगाए जाएंगे जो पानी को बाहर फेंकेगी। इसके चलते मनपानी गिरगांव चौपाटी के हिस्से को बंद कर दिया है। यहाँ सैलानियों के आने जाने पर रोक लगा दी गयी है। मनपा इस परियोजना के तहत मरीन ड्राइव से प्रियदर्शनी पार्क तक 2.7 किलोमीटर लंबी दो सुरंगें बना रही है। इस परियोजना के तहत दक्षिण मुंबई से बांद्रा वर्ली सीलिंग के वर्ली छोर तक सीधे सफर किया जाएगा। कुल 10.5 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजना का काम पहले चरण में पूरा किया जाएगा। इस बारे में अधिकारियों ने बताया कि गिरगांव समुद्र तट का ये हिस्सा जो मनपा द्वारा निर्मित प्लेटफॉर्म कम उसे पिछले हफ्ते ही जनता के लिए बंद कर दिया गया है। यहाँ बैरिकेड लगाकर काम किया जा रहा है। इस परियोजना के मुख्य अभियंता ने कहा कि समुद्र तट के हिस्से को बैरिकेटिंग करने की वजह से यहां अंडरग्राउंड पंपिंग स्टेशन का काम शुरू करना था। यहां एक जल निकासी पंपिंग सेट भी होगा। उन्होंने कहा कि गिरगांव समुद्र तट के नीचे जाने वाली सुरंगों में जो पानी जमा होगा उसे इस पाइप के जरिए बाहर निकाला जाएगा। इस काम में 7 महीने लगने की उम्मीद है। विभाग के अधिकारियों के अनुसार उस क्षेत्र में जनता को प्रवेश करने से रोकने के लिए लाल झंडे लगाए गए हैं। अब तक इस परियोजना का 65% से ज्यादा काम भी पूरा हो गया है। मनपा के आंकड़ों के अनुसार इससे मरीन लाइन से वर्ली तक आने जाने में 70% समय और ईंधन की 34% बचत होगी। इस कोस्टल रोड परियोजना का मनपा ने 2018 में काम शुरू किया था। इस परियोजना के तहत समुद्र और पर्वत के नीचे से होकर 2.6 किलोमीटर लंबी दोनों तरफ की सुरंगें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।